नमस्ते छात्र, आपको यहां देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत मूक अभिनय वाले खेल से करें? इसके लिए मुझे 5 छात्र चाहिए, कृपया आप स्वेच्छा से आगे आ जाएं। मेज पर कागज की 5 पर्चियां हैं। प्रत्येक छात्र को एक पर्ची उठानी है और उसमें लिखे शब्द को मन में पढ़ना है। इसके बाद आपको वो शब्द अभिनय द्वारा कक्षा के सामने बताना है। याद रहे, आप कुछ भी बोल नहीं सकते। कक्षा के छात्रों को अभिनय देखकर वो शब्द पहचानना है। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद, आपने सही अनुमान लगाया। वो शब्द थे बारिश, पढ़ाई, घोड़ा, वीणा और गायन। आप बिना बोले शब्द बता पाए, ये कैसे संभव हुआ? नियमों के अनुसार आप कुछ भी बोल नहीं सकते थे, इसलिए आपको ये शब्द बताने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ा। जब आपके कुछ संकेत लोगों को समझ में नहीं आए, तब आपने अपनी बात समझाने के लिए नए तरीकों या संकेतों के बारे में सोचा। अगर आप किसी अनजानी जगह पर पहुंच जाएं, जहां आपकी भाषा कोई ना समझता हो, तो आप किसी व्यक्ति से बात करने के लिए क्या करेंगे? तब आप रचनात्मकता से सोचकर बातचीत का कोई नया तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना? तो रचनात्मक सोच से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। आइए अब एक खेल खेलते हैं। सबसे पहले 2 छात्रों को स्वेच्छा से कक्षा के बाहर जाकर खड़े होना है। स्क्रीन पर 3 आकृतियां दिखाई जाएंगी। पहले छात्र को आकर बीच वाली आकृति पहचाननी है। इसके बाद स्क्रीन पर 3 और आकृतियां दिखाई जाएंगी। अब दूसरे छात्र को अंदर आकर बीच वाली आकृति पहचाननी है। क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। यहां पर क्या हुआ? जब पहले छात्र ने यह देखा, तब उसने बीच वाली आकृति को अक्षर बी के तौर पर पहचाना। दूसरे छात्र ने यह देखा और इस बीच वाली आकृति को अंक 13 के रूप में पहचाना। यह क्या है? यह बी है या 13? आपको पूरा चित्र देखने की जरूरत है। इसे देखिए, ऊपर से नीचे देखें तो ये अंक 13 दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे अंक दिए गए हैं। जब हम इसे दाएं से बाएं देखते हैं तो ये अक्षर बी दिखता है, क्योंकि इस संदर्भ में हम इसे अक्षर के तौर पर देख रहे हैं। अगर हम इसे अन्य आकृतियों के बिना देखें तो शायद ये हमें कुछ और ही दिखेगा। अब इसे देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? धन्यवाद। पहले चित्र में आपको कुछ सीढ़ियां दिखी होंगी। अगले चित्र में आपको एक सफेद वर्ग दिखा होगा जिसकी भुजाएं अधूरी सी हैं। पर हमारा दिमाग इन भुजाओं और रेखाओं को पूरा कर देता है और हमें सीढ़ियां और वर्ग नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि हम आमतौर पर अलग तरह से नहीं सोच पाते और जानी पहचानी चीजों को ढूंढते हैं। हम चीजों को अलग नजरिए से नहीं देख पाते।
अलग नजरिए से सोचते वक्त हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर इन कठिनाइयों का सामना करने से हमें ज्ञान मिलता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। खाने की छुट्टी के पहले ये आखिरी क्लास है। आपकी मनपसंद टीचर ने ये घोषणा की है कि आज स्कूल में उनका आखिरी दिन है और वो दूर किसी नए शहर में जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो दोपहर में ही सारा सामान लेकर बस से निकलने वाली है। आपको ये लग रहा है कि आप शायद लंबे समय तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। आप अपना स्नेह और आदर प्रकट करने के लिए उन्हें एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं, पर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको स्कूल से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कृपया 5-5 छात्रों के समूह बनाकर इसका हल निकालने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने, धन्यवाद। अगर पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? आप एक चित्र या कार्ड बनाकर दे सकते हैं। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें किसी भी उपहार से ज्यादा मूल्यवान हो सकती हैं। तो हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच एक तरीका है। कोई समस्या कठिनाई को एक मौके की तरह देखना चाहिए, एक प्रयास है चीजों को अलग नजरिए से देखने का। अब एक क्रियाकलाप। मैं एक वाक्य से शुरुआत करूंगा। अब प्रत्येक समूह को मेरे द्वारा कहे गए वाक्य से बात आगे बढ़ानी है। समूह के प्रत्येक सदस्य को एक वाक्य कहकर कहानी को आगे बढ़ाना है। आपके पास 3 मिनट हैं अपनी अपनी कहानी पूरी करने के लिए। बहुत मजेदार था। आपने तुरंत एक कहानी कैसे बना ली? हम टीवी या फिल्म देखते वक्त मूंगफली और पॉपकॉर्न कैसे चबा लेते हैं? इसके लिए बस थोड़ा अभ्यास चाहिए, है ना? इसी तरह थोड़े से अभ्यास से हम कहानियां और खेल बना सकते हैं। रचनात्मक सोच एक कसरत की तरह है जो दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखती है। अब एक और क्रियाकलाप। आप 2 समूह बना लीजिए। प्रत्येक समूह को एक विषय दिया जाएगा। आपको इस विषय से संबंधित अपने विचार बताने हैं। अंग्रेजी सीखने का सबसे सस्ता तरीका और घर ही सबसे अच्छी व्यायामशाला है। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ज्यादा पैसे खर्च किए बिना हम अंग्रेजी सीख सकते हैं अगर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करें। टीवी पर अंग्रेजी कार्यक्रम देखना, अंग्रेजी में समाचार सुनना, रोजमर्रा के जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं के अंग्रेजी नाम सीखना, रोजमर्रा के कार्यों के अंग्रेजी नाम सीखना। इसी तरह घर पर रस्सी कूदने से, भारी मूसल उठाने से, उठक बैठक लगाने से, खड़े खड़े एक जगह पर दौड़ लगाने से हम पैसे खर्च किए बिना अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह सोचने के लिए हमें उद्देश्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें जो अवसर मिले उनके बारे में हमें पहले से कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि रचनात्मक सोच एक प्रक्रिया है। रचनात्मक सोच का ये अर्थ नहीं है कि जब तक कोई कविता या निबंध लिखने का विचार ना आ जाए तब तक इधर उधर बगले झांकते रहना। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि लेबोरेटरी में रंग बिरंगी द्रव्य पदार्थों का मिश्रण करना
किसी प्रतिक्रिया का इंतजार करना और उसके बाद कोई वैज्ञानिक तर्क समझाना। जीवन के हर पहलू में रचनात्मक सोच से काम लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी दरवाजे को दीवार पर टकराने से रोकने के लिए आप किसी प्लास्टिक की थैली में पुराने कपड़े के टुकड़े डालकर उसे दीवार से चिपका सकते हैं ताकि वो एक तकिए का काम करे, या फिर आप एक लकड़ी का टुकड़ा दीवार से सटा कर रख सकते हैं। ऐसे काम करते समय आप अपनी रचनात्मकता का अच्छा प्रयोग करते हैं। इसी तरह आप साबुन के छोटे टुकड़े जमा करके उन्हें पानी में डुबो सकते हैं। इससे साबुन वाला पानी तैयार हो जाएगा जिससे आप बाथरूम या फिर वॉश बेसिन को धो सकते हैं। ये रचनात्मक सोच का उदाहरण है। रचनात्मक सोच का एक और उदाहरण सुनिए। अखबार के बड़े टुकड़ों की 7-8 परतें किसी बाल्टी में लगाकर उसे धूप में सूखने के लिए रख दें। ऐसा करने से कागज की टोकरी तैयार हो जाएगी। तो रचनात्मक सोच का प्रयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, रचनात्मक सोच जीवन के हर पहलू में काम आती है और हर कोई इसको काम में ले सकता है। हम सब में थोड़ी बहुत रचनात्मकता होती है जिसका प्रयोग करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी रचनात्मकता को पहचान कर जीवन में महान काम करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचना हम सब के लिए संभव है। रचनात्मकता से सोचने के लिए दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। रचनात्मकता से सोचने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। रचनात्मक सोच से हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है। रचनात्मक सोच एक तरीका है। कोई समस्या या कठिनाई को एक मौके की तरह देखना चाहिए। रचनात्मक सोच एक प्रयास है चीजों को अलग नजरिए से देखने का। रचनात्मक सोच एक कसरत की तरह है जो दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखती है। रचनात्मक सोच एक प्रक्रिया है। रचनात्मक सोच का प्रयोग जीवन के हर पहलू में किया जा सकता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। कुछ लक्षण जीवन के सभी पहलुओं में आवश्यक होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ता एक महत्वपूर्ण लक्षण है। एक शिल्पकार को धैर्य से काम लेना पड़ता है। रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के लिए कौन से लक्षण जरूरी हैं? तो हम इस सत्र में इसी बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके लिए एक चित्र वाली पहेली है। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप इस महिला की उम्र बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। कुछ छात्रों ने कहा कि यह 20 वर्ष की जवान महिला है और कुछ छात्रों ने इसे करीब 80 वर्ष की बूढ़ी महिला बताया। क्या किसी ने कुछ अलग देखा? पहले आपको केवल एक चित्र दिखता है, पर जब हम अलग अलग तरह से देखते हैं
तो एक और चित्र सामने आता है। एक और संभावना को देखने के लिए हमें खुले दिमाग से सोचना पड़ता है। नई संभावनाएं खोजना और उन्हें स्वीकार करना तभी हो पाता है जब हम किसी भी प्रकार के पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना सोचते हैं। इससे रचनात्मकता भी बढ़ती है। इसलिए रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है। आइए अब एक खेल खेलते हैं। मुझे दो छात्र चाहिए, कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाइए। दोनों छात्रों को हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर कक्षा के सामने खड़े होकर मेरे निर्देश सुनने हैं। क्या हम तैयार हैं? आप दोनों के पास कितने सिक्के हैं? 1। अब मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे से अपने सिक्के बदल लें। अब आपके पास कितने सिक्के हैं? 1 ही है ना? शुरुआत में भी आपके पास 1 ही सिक्का था, है ना? धन्यवाद, अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कागज के छोटे से टुकड़े पर एक कहावत लिखें और इसे अपने पास बैठे छात्र के साथ बदल लें। क्या आपने कहावत पढ़ी? अब आप सबको कितनी कहावतें पता हैं? आपको 2 कहावतें पता हैं, है ना? सिक्के बदलने के बाद आपके पास केवल 1 ही सिक्का था, पर कहावतें बदलने के बाद आपको 2 कहावतें पता चली। इस तरह अगर आप अपना ज्ञान, अपनी योग्यताएं और अपने विचार किसी के साथ बांटेंगे तो आप संपन्न होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास पहले जो था आपको उससे ज्यादा प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आप अपने विचार और सुझाव एक दूसरे के साथ बांटेंगे ताकि आप सबके ज्ञान में वृद्धि हो। अब एक और पहेली स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि ये क्या है। अच्छा प्रयास था। जब मैंने ये चित्र दूसरों को बताया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सड़क है जिसमें गड्ढे हैं। कुछ लोगों को ये अजगर के शरीर पर बने धब्बों जैसा लगा। आइए अब देखते हैं कि वास्तव में ये क्या है। हमने देखा कि वहां जिराफ की गर्दन का एक हिस्सा था। हम में से कई लोग इसका सही जवाब नहीं बता पाए, पर हम सब ने प्रयास किया कि हम कल्पना करके ऐसी चीज के बारे में बताएं जो दिख नहीं रही है। परिणाम स्वरूप हमें अलग अलग जवाब मिले। जरा इसके बारे में सोचिए। अगर मैंने आपको शुरुआत में ही जिराफ के बारे में संकेत दे दिए होते तो क्या आप अलग तरह से सोच पाते? क्या हमें इतने जवाब मिल पाते? आपको इन सब बातों का मौका नहीं मिलता। रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वो अनजानी बातों को जानने की चाह रखता है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति जिज्ञासु होता है। ज्यादा से ज्यादा बातें जानने की जिज्ञासा की वजह से ही कई आविष्कार हुए हैं और कई चीजों की खोज हुई है। उदाहरण के लिए आइजक न्यूटन को यह जिज्ञासा हुई कि सेब
नीचे क्यों गिरता है और इससे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज हुई। यह जिज्ञासा केवल विज्ञान में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी काम आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ये जानना चाहता है कि परीक्षा को लेकर लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों होता है, तो वो व्यक्ति इसका कारण समझकर इसका हल ढूंढने की भी कोशिश कर सकता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घटना क्यों घटती है, या फिर कोई चीज ऐसी है तो क्यों है? फिर क्या आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? बहुत बढ़िया अनुभव था, धन्यवाद। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। जूते बनाने वाली एक कंपनी ने अपने दो कर्मचारियों को एक टापू पर जूते बेचने के लिए भेजा। एक कर्मचारी वापस आकर बोला, वहां रहने वाले लोगों को जूते बेचना असंभव है। दूसरे कर्मचारी ने कहा, इस टापू पर हम अपने सामान बहुत अच्छी तरह बेच सकते हैं, बेचने के लिए कृपया बहुत सारे जूते भेज दीजिए। कंपनी का मालिक उलझन में पड़ गया क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत बातें कह रहे थे। मालिक ने उनसे अपनी अपनी बात का कारण पूछा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, टापू पर रहने वाले लोगों को जूते पहनने की आदत नहीं है। पहला कर्मचारी इस चुनौती का सामना करने को तैयार नहीं था। वो लोगों को जूते पहनने के लिए मनाना नहीं चाहता था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसमें उसे एक छिपा हुआ अवसर नजर आया। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। अब आपको एक परिस्थिति दी जाएगी। आप एक सेल्समैन हैं और आपको पेन बेचने हैं। आपको एक अनपढ़ व्यक्ति को पेन के फायदे समझाते हुए उसे एक पेन बेचना है। क्या आप 5-5 छात्रों के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं? इसके बाद प्रत्येक समूह से एक जोड़े को आगे आकर इसका अभिनय करके दिखाना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति, इस वैज्ञानिक रिपोर्ट को पढ़िए। साइंस डेली, अगस्त 10, 2009। प्यासे कौवे की कहानी में कौवा मटकी में कंकड़ डालता है जिससे पानी ऊपर आ जाता है। वो पानी पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। करंट बायोलॉजी नामक एक पत्रिका में एक नया अध्ययन छपा है। इसमें बताया है कि कौवे की प्रजाति का रुक नामक पक्षी कहानी में बताए गए तरीके का प्रयोग करके कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। अध्ययन के पहले भाग में 4 रुक पक्षियों को बर्तनों में अलग अलग ऊंचाई तक भरा हुआ पानी दिया। पक्षियों ने कंकड़ की मदद से पानी के स्तर को बढ़ाया ताकि वे पानी की सतह पर तैरने वाले कीड़ों को खा सकें। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पक्षियों ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि पानी को ऊपर लाने के लिए लगभग कितने कंकड़ों की आवश्यकता होगी। जरूरत के अनुसार कंकड़ डालने के बाद ही पक्षियों ने अपनी चोंच पानी में डाली। दूसरे अध्ययन में अलग अलग आकार के कंकड़ रखे गए थे। पक्षियों ने छोटे कंकड़ों की जगह बड़े कंकड़ों का इस्तेमाल किया। तीसरे अध्ययन में पक्षियों को यह दिखाया गया कि कंकड़ पानी में डूब जाते हैं
लेकिन लकड़ी के भूसे में नहीं। इसलिए जब उन्हें दो बर्तन दिए गए जो आधे पानी से भरे थे और आधे लकड़ी के भूसे से, तो उन्होंने अपने कंकड़ पानी में डाले, भूसे में नहीं। अध्ययन से पता चलता है कि ये पक्षी कंकड़ जैसी वस्तुओं का प्रयोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन में ये कंकड़ इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। क्रिस्टोफर बर्ड कहते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रयोग प्रोत्साहन पर निर्भर करता है। रुक पक्षी अपने जीवन में कंकड़ इत्यादि का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें इनके प्रयोग के बिना ही खाना मिल जाता है। ये दर्शाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। धन्यवाद। ये कितनी हैरत में डाल देने वाली बात है ना कि हम आम तौर पर पक्षियों को बुद्धिमान नहीं समझते, पर जरूरत पड़ने पर तो वो बहुत ही चालाकी और रचनात्मकता से काम करते हैं। इतिहास में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि किसी भी तरह का सुधार और विकास किसी जरूरत या उबाऊपन की वजह से हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी मिठाई की दुकान में जाएं, तो वहां पारंपरिक काजू कतली के अलावा काजू से बनी बहुत सारी मिठाइयां मिलती हैं, काजू रोल, काजू कलश, काजू सैंडविच इत्यादि। केवल यही नहीं, इन मिठाइयों का आकार भी बहुत अलग होता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई व्यक्ति रोज एक ही तरह की काजू की मिठाई बनाकर ऊब गया होगा और उसने रचनात्मकता से सोचते हुए कुछ नया बनाने के बारे में सोचा होगा। उपयोगी असंतुष्टि भी रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का लक्षण है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। क्या आप ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें केवल एक वाद्यंत्र, एक नाटक, एक फिल्म या एक खेल हो? अगर सारे घर और कपड़े एक जैसे दिखेंगे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर केवल मनुष्य हो तो क्या होगा? क्या जीवन उतना ही रोचक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। रचनात्मक सोच से बदलाव आता है और विभिन्नता भी। जब तक उपयोगी असंतुष्टि नहीं होगी तब तक ना तो विकास होगा और ना ही विभिन्नता आएगी। उपयोगी असंतुष्टि केवल चीजों की रचना करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी योग्यताओं में एक ताजगी लाने के लिए भी चाहिए। बेहतर जीवन की चाह रखने से रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। क्या हम आज सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। इस सत्र में हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के अन्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। किसी भी नए विचार पर पहले चर्चा करनी पड़ती है, इसके बाद उसको सहमति मिलती है और फिर वो स्वीकार होता है। जीवन के
हर पहलू के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोगों से सुझाव और राय ले सकते हैं और खुद भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे उचित सुझाव चुन सकते हैं। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मोहन एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ और वहीं उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसने अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा एक छोटे नगर में पूरी की। अब वो जयपुर की एक जानी मानी संस्था से MBA की पढ़ाई कर रहा है। वहां सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और मोहन को अंग्रेजी समझने में बहुत परेशानी होती है। उसे केवल हिंदी भाषा आती है। उसे क्या करना चाहिए? एक, उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। दो, उसे यह सोचना चाहिए कि उसे अंग्रेजी सीखने का एक मौका मिला है। तीन, उसे दूसरों से अनुरोध करना चाहिए कि वे उसके साथ हिंदी में बात करें। पढ़ाई छोड़ने और दूसरों से हिंदी में बात करने का अनुरोध करने से उसकी समस्या हल नहीं होगी और ना ही उसे अंग्रेजी बोलने में मदद मिलेगी। इसलिए मोहन को इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए जिससे वो अपनी अंग्रेजी को सुधार सके। हमने इसे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लेता है। एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। आपकी मां की तरक्की हुई है और उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है। वो केवल सप्ताह के अंत में घर आ सकती हैं। आपके पापा को भी काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। आपके माता पिता ने यह सुझाव दिया है कि आपको खाना पकाना सीख लेना चाहिए ताकि आप अपना काम खुद कर सकें। आप क्या करेंगे? जो लोग मौके का पूरा फायदा उठाते हैं, नई योग्यताएं हासिल करते हैं और रचनात्मकता से उनका प्रयोग करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। जहां चुनौतियां होती हैं, वहां उन्हें नए अवसर नजर आते हैं। आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन बातों पर अमल करेंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा चाहता था कि उसके पुत्र सोच समझकर पैसे खर्च करना सीखें। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उसने तीनों को एक जितने पैसे दिए और समान आकार के तीन कमरे दिखाए। प्रत्येक पुत्र को उन पैसों से एक कमरे में कुछ भरने को कहा गया। तीनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पुत्रों ने अपना काम पूरा किया और फैसले का दिन आ गया। पहले पुत्र ने पूरे कमरे में गाय का गोबर भर दिया। दूसरे पुत्र ने कमरे में पशुओं का चारा भर दिया। जब राजा ने तीसरे पुत्र का कमरा देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक कोने में एक दिया जलाया था। राजा उलझन में पड़ गया और उसने अपने पुत्र से पूछा, तुमने ये क्या किया? यहां तो दिए के अलावा कुछ भी नहीं है। पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। इसमें बहुत कम पैसे खर्च हुए। सोच समझकर पैसे खर्च करने के लिए राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अगर आपको भी यह परीक्षा दी जाती तो आप क्या करते? रेडियो या संगीत के किसी यंत्र की मदद से कमरे को
संगीत से भरा जा सकता है, अगरबत्ती जलाकर कमरे को खुशबू से भरा जा सकता है, और ऐसा करने में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, है ना। बस थोड़ी सी कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वो कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है। अब आपकी क्षमता और कल्पना शक्ति के लिए एक परीक्षा है। यहां पर कांच का एक डिब्बा है और 10 रुपए हैं। आपको यह सोचना है कि केवल 10 रुपए खर्च करके इस डिब्बे को किस चीज से भरा जा सकता है जो सबके काम आए। क्या हम कुछ संभावनाओं के बारे में चर्चा करें? हम 10 रुपए से एक नींबू, थोड़ी शक्कर और पानी मिलाकर नींबू पानी बना सकते हैं। सबको एक एक चम्मच नींबू पानी चखने के लिए दिया जा सकता है। आप एक छोटी सी मछली खरीदकर कांच के डब्बे में पानी भरकर मछली का घर भी बना सकते हैं। मछली को तैरते हुए देखने का आनंद सब लोग ले सकते हैं। या फिर आप इसमें पानी भरकर ऊपर फूल डाल सकते हैं। तैरते हुए फूल देखना भी सबको अच्छा लगता है। आप इन पैसों से एक पेंसिल और कागज के टुकड़े खरीद सकते हैं। हर एक टुकड़े पर एक सुंदर विचार लिखा जा सकता है जिसे सभी छात्र रोज पढ़ सकते हैं। ये सुंदर विचारों का एक संदूक बन सकता है। क्या हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के लक्षण देखें? क्या आपको ये चित्र याद है? हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम फूलदान देखना चाहेंगे तो हमें वो दिखेगा, और हम चेहरे देखना चाहेंगे तो हमें वही दिखेगा। अब इस घटना के बारे में पढ़िए। बंधक व्यक्ति ने ट्विटर का प्रयोग करके खुद को छुड़ाया। जब बंदी बनाने वाले व्यक्ति ने अपने नए फोन के लिए उससे मदद मांगी। 5 महीनों से बंधक एक पत्रकार ने ट्विटर के द्वारा यह संदेश भेजा कि वो जिंदा है। जब उसे बंदी बनाने वाले व्यक्तियों ने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए उससे मदद मांगी, तब उसने ये काम किया। एक उग्रवादी ने अपने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए मदद मांगी, और कोसू के सुनियोका ने ट्वीट किया, मैं जिंदा हूं पर जेल में हूं। पिछले सप्ताह उसे हिजबे इस्लामी समूह ने रिहा करवाया। हमने इससे क्या सीखा? आशाहीन परिस्थितियों में भी उस पत्रकार ने फरार होने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने अपने दोस्तों और दुनिया वालों को एक संदेश भेजा। उसे यह विश्वास था कि वो इस समस्या से बाहर निकल पाएगा। इसी विश्वास के कारण वो उग्रवादियों के चंगुल से बाहर निकल पाया। उन सब लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पहली बार किसी चीज का आविष्कार किया था। उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स। जब सब लोगों ने यह कहा कि कोई भी मशीन कभी आसमान में नहीं उड़ सकती, तब भी उन्होंने यह सोचा कि यह संभव है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया। लोगों के नकारात्मक विचार सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। रचनात्मक व्यक्ति की यही निशानी होती है। अगर हम सकारात्मकता से यह सोच लें कि हम अलग तरह से कोई काम कर सकते हैं, तो इससे हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है। यह थॉमस अल्वा एडिसन है। इस वैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा आविष्कार किए हैं। अपने 1000वें प्रयास में ये बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। जब उनसे पूछा गया
कि उन्हें अपने असफल प्रयासों के बारे में क्या कहना है, तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने बल्ब ना बनाने के 999 तरीकों के बारे में पता चला है। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक गुण ये होता है कि उसमें अपनी गलतियों से सीखने की दृढ़ता और चाह होती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। इन सभी गुणों को खुद में विकसित करने के लिए और रचनात्मकता से जीवन जीने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है, विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेता है, कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है, सकारात्मक सोच रखता है, दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। आइए आज की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। आप स्कूल के बगीचे में पाइप से पानी डाल रहे हैं। आपसे छोटा एक विद्यार्थी आपके पास आकर मदद मांगता है। 3 फीट गहरे और सकरे गड्ढे में उसकी टेनिस गेंद गिर गई है, जिसे वो निकालना चाहता है। आप हाथ डालकर गेंद निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं निकलती। गेंद निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस गड्ढे को पानी से भर सकते हैं। ऐसा करने से गेंद तैरकर ऊपर आ जाएगी। गेंद को गड्ढे से निकालने के लिए आपने एक व्यवस्थित तरीके, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक तकनीक का इस्तेमाल किया। वास्तव में देखा जाए तो आपने एक रचनात्मक तकनीक का प्रयोग किया। रचनात्मक सोच को सुधारने के लिए क्या हम कुछ और तकनीकों के बारे में सीखें? एक तकनीक जिससे रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है वो है रूपकों का प्रयोग। कविता पढ़ते वक्त हमने रूपक के बारे में जरूर जाना होगा, है ना? अगर हमें किसी के गुणों के बारे में बात करनी है तो हम अक्सर रूपक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि वो तो शेर दिल है, किसी के साहस के बारे में बताने के लिए, या फिर वो तो कोयल जैसी है, किसी की मधुर आवाज के बारे में बताने के लिए, या फिर उसका दिल तो सोने का है, किसी उदार दिल वाले व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। ये रूपक सकारात्मक गुणों के बारे में बताते हैं। नकारात्मक गुण बताने के लिए हम इस तरह की बातें भी कहते हैं, वो तो गुड़कना लोटा है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जिस पर भरोसा न किया जा सके। वो तो लोमड़ी है, किसी चालाक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। अरे वो तो गिरगिट है, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो बदलता रहता है। रूपकों का प्रयोग करके हम अपनी रचनात्मक सोच को सुधार सकते हैं। क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? स्क्रीन पर रिक्त स्थान के साथ कुछ वाक्य दिखाए जाएंगे और प्रत्येक वाक्य को पूरा करने के लिए संकेत भी दिए जाएंगे। इन वाक्यों को पूरा करने के लिए आपको रूपक का प्रयोग करना है। सुशील एक क्या है? उस कैदी पर पुलिस वाले किस तरह की आंखें जमाए हुए हैं? समय क्या होता है? रवि का दिल तो किसके जैसा है?
विलेन कैसे होते हैं? क्या हम कुछ सही उत्तर देख लें? सुशील एक फरिश्ता है। उस कैदी पर पुलिस वाले गिद्ध की तरह आंखें जमाए हुए हैं। समय कीमती होता है। रवि का दिल तो चूहे जैसा है। विलेन पत्थर दिल होते हैं। कुछ गुणों को बताने के लिए आमतौर पर इन रूपकों का प्रयोग किया जाता है, पर हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कुछ उचित रूपक बना सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि आप जो कहना चाहते हैं वो बात ठीक से समझ में आ जानी चाहिए। हमने रूपकों द्वारा अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद हम अलग तरह के रूपकों के बारे में बात करें। हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं और इन चित्रों की मदद से ये देख सकते हैं कि हमने कितनी प्रगति की है और हम किस ओर बढ़ रहे हैं। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि हम सच्चाई से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डटे रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक से ज्यादा रूपकों का प्रयोग भी कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के कई पहलू होते हैं। अलग अलग समय पर हम अलग अलग पहलुओं के लिए नए रूपकों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने अभी अभी वॉलीबॉल सीखना शुरू किया है। मैं इस रूपक के बारे में सोच सकता हूं कि बॉल से एक बीज फूट रहा है। जैसे जैसे मेरी योग्यताएं सुधरेंगी, मैं ये सोच सकता हूं कि वो बीज अब एक छोटा पौधा बन गया है। मेरी योग्यता के अनुसार, जैसे कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, मैं इसे एक बड़े पौधे या पेड़ के रूप में बता सकता हूं। वॉलीबॉल खेलने के साथ साथ मैं संगीत भी सीख रहा हूं। संगीत में दक्षता दर्शाने के लिए मैं ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे जैसे मेरे संगीत में सुधार आएगा, मैं इन चिन्हों की संख्या बढ़ा सकता हूं, जिससे ये पता चले कि मैंने कितना विकास किया है। मेरी योग्यताओं में जो सुधार आया, उसके आधार पर मैं दोनों योग्यताओं से संबंधित चिन्हों को बदल भी सकता हूं। मुझे यकीन है कि आपको अपने दोस्तों के लिए सकारात्मक रूपक बताकर अच्छा लगा होगा। जब आपके दोस्तों ने आपके सकारात्मक गुणों के बारे में रूपक बताए, तो आपको भी गर्व महसूस हुआ होगा। जब रूपकों का प्रयोग होता है, तब कविता जन्म लेती है। क्या आपको पता है कि जब आप नए और अलग अलग रूपक ढूंढते हैं, तब आपकी भाषा में सुधार आता है और आप एक कवि की तरह सोचने लग जाते हैं। हम मूक अभिनय के खेल के द्वारा भी दूसरों को उनके रूपकों के बारे में बता सकते हैं, पर हमें उनके नकारात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको एक व्यक्ति के लिए जन्मदिन का कार्ड बनाना है जिसे आप पसंद करते हैं। आपको एक रूपक चिन्ह बनाना है जो उस व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति हमेशा मजाक करता है, उसके लिए आप बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे बना सकते हैं। आपने ये कार्ड जिस व्यक्ति के लिए बनाया है, उसके जन्मदिन पर उसे ये कार्ड जरूर दें। इससे उस व्यक्ति को बहुत खुशी मिलेगी। अब तक आपने रूपक का प्रयोग करके किसी के सकारात्मक गुणों के बारे में बताया। आपने चित्र, कार्ड इत्यादि बनाकर किसी व्यक्ति की सराहना की, जिससे आपको भी खुशी मिली। ऐसा करने से बहुत से उद्देश्य पूरे हुए। इसलिए रचनात्मक सोच से हम एक तकनीक का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं। इससे कई उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं। अगली तकनीक है
कहानी बनाना। हमने बचपन से ही कहानियां सुनी हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि लेखक अपनी कल्पना शक्ति से कहानियां कैसे लिख लेते हैं। अब आप सबको एक कहानी बनानी है। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा? बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि आपकी माँ ने आपको आलू, साबुन, सिरदर्द के लिए बाम और पेंसिल खरीदने के लिए बाजार भेजा है। इन सब चीजों के नाम याद रखने के लिए इनके बारे में एक कहानी बनाई जा सकती है। ऐसा करने से आपको ये सारे सामान आसानी से याद हो जाएंगे। उदाहरण के लिए एक कहानी ऐसी हो सकती है, पेंसिल से चित्र बनाते समय मैंने तले हुए आलू खाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। जब मैंने साबुन से अपना मुंह धोकर बाम लगाया तो सिर दर्द गायब हो गया। मैं दोहराता हूं, पेंसिल से चित्र बनाते समय मैंने तले हुए आलू खाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। जब मैंने साबुन से अपना मुंह धोकर बाम लगाया तो सिर दर्द गायब हो गया। क्या आपने ध्यान दिया कि हमने अलग अलग चीजों को साथ जोड़ते हुए एक छोटी सी कहानी बनाई जिससे हमें ये सारे नाम याद हो गए? इस तकनीक को नेमोनिक कहा जाता है। इस सूची को याद करने के लिए हम सब अपनी सुविधा के अनुसार एक नेमोनिक तैयार कर सकते हैं। हमने देखा कि रचनात्मकता को सशक्त करने के लिए नेमोनिक का प्रयोग किया जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको कुछ चीजों की एक सूची दी जाएगी। आपको इन शब्दों को जोड़ते हुए एक कहानी बनानी है। ये शब्द हैं चमड़े के जूते, संतरा, कहानी की किताब और गुड़िया। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी बनानी है। मैं चमड़े के जूते पहनकर संतरे खरीदने गया, पर उसकी जगह मैं कहानी की किताब पढ़ती हुई एक गुड़िया खरीद लाया। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।